लिमिट शुड बी वॉट शुड बी द लिमिट फॉर ए डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल वो मैंने आपको आइडेंटिफाई किया था कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है ए पे equality होना a पे होनावलिटी नहीं होना यहां बहुत क्रिटिकल है इनकेस ऑफ डिस्क्रीट टाइम रैंडम वेरिएबल के केस में तो अभी हम डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट टाइम नहीं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पढ़ते पढ़ते वो नाम आ जाता है तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो दो स्टैंडर्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है जो हमें कम्युनिकेशन सिस्टम में भी बार बार आते हैं तो वो दोनों हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि हम ये सब जितना भी स्टडी कर रहे हैं अबाउट दिस रैंडम वेरिएबल्स इन रिलेशन विद कम्युनिकेशन सिस्टम इसका स्थेटिक्स में भी बहुत यूज है बहुत जगह पे रैंडम वेरिएबल का बहुत यूज आता है नॉट ओनली इन कम्युनिकेशन सिस्टम बट व्हाट वी स्टडी हम ये स्टडी कर रहे हैं इन द रिस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक है ना ये बात है तो अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी मिटा देते हैं ना तो पीएमएफ तो आप देख ही चुके हो पीएमएफ किसको कहते हैं ना तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है तो उनका सीডিএফ और पीएमएफ थोड़ा सा देख लेते हैं इनका एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है इनका वेरिएंस क्या होता है ये तब कैलकुलेट करेंगे जब एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस क्या चीजें होती हैं उनका सिग्निफिकेंस क्या आगे जब पढ़ेंगे तब छोटी छोटी चीजें हैं बट दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट और रैंडम रैंडम वेरिएबल वेरिएबल वंस आपका बहुत अच्छा हो गया आपका रैंडम प्रोसेस बहुत जल्दी खत्म होगा रैंडम प्रोसेस उससे ईजी है बस उसमें एक टाइम का फंक्शन टी आ जाता है और रैंडम प्रोसेस इसलिए इजी है क्योंकि हमें उसमें एक स्पेशल टाइप के रैंडम प्रोसेस को ही पढ़ना है दैट इज वाइड सेंस स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस है ना तो रैंडम वेरिएबल अगर अच्छा है तो बहुत इजी हो जाएगा आपका डब्ल्यू एस एस बहुत ज्यादा इसीलिए इस पे बहुत अच्छे से टाइम देना तो यहाँ पे दो तरह के डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड जो रैंडम वेरिएबल्स हैं जैसे कंटिन्यूअस में हम पढ़ेंगे गौशियन के बारे में वैसे यहां डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में दो टाइप के रैंडम वेरिएबल हमारे हैं एक इसको कहते हैं बर्नौली बर्नौली रैंडम वेरिएबल है Bernoulli, Bernoulli variable, ना इसको बाइनरी रैंडम वेरिएबल भी कहीं कहीं कहते हैं रैंडम वेरिएबल भी आप लिख सकते हो ठीक है फर्स्ट टाइप इज बर्नौली रैंडम वेरिएबल डिस्क्रिक्टी रैंडम वेरिएबल का ही टाइप है बर्नौली रैंडम वेरिएबल अभी हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में कहा काम आता है अब आपने हम जब डिजिटल कम्युनिकेशन में जाते हैं तो वी आर डीलिंग इन बिट्स जीरो वन जीरो में हम डील करते हैं डील करते हैं कि नहीं बाइंड्री में हम डील करते हैं तो जो आपका इंफॉर्मेशन सोर्स है जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है इन्फॉर्मेशन थियरी में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है भी उसको जो आपका इन्फॉर्मेशन सोर्स है वो आपके बिट्स को इमिट कर रहा है क्या जीरो या वन को इमिट कर रहा है और इन्फॉर्मेशन सोर्स इट सेल्फ इज अ रैंडम सोर्स अगर वो क्या इमिट करने वाला है इन्फॉर्मेशन जीरो और वन के फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन इमिट कर रहा है कभी जीरो इमिट कर रहा है कभी वन अगर ऑलरेडी आपको पता है कि वो क्या इमिट इमिट कर रहा है फिर उसमें इंफॉर्मेशन कुछ है ही नहीं अगर वो वेल well डिफाइंड है डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर है तो आपके पास उसमें कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं इंफॉर्मेशन कब होती है जब वो रैंडम होता है जितनी कम किसी चीज की प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्रेंस उसमें इंफॉर्मेशन कंटेंट उतना ज्यादा होता है ये बेसिक थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा और जिसमें जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबिलिटी जितनी ज्यादा है उसमें इंफॉर्मेशन कंटेंट उतना कम है तो अगर किसी की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लिटी है जो जिसको कहते हो कि आपको पता यही है यही तो उसमें इंफॉर्मेशन कंटेंट है ही नहीं तो नॉर्मली आपका कम्युनिकेशन सिस्टम एक सोर्स होता है जो इन्फॉर्मेशन को इमिट करता है और भेजता है है ना ट्रांसमीटर एक तरह से जो भेजता है रिसीवर इन पे इंफॉर्मेशन तो ये ऑब्वियसली कैसे ये सोर्स मॉडल होता है एज एन रैंड एज ए रैंडम सोर्स मॉडल होता है ये जीरो और वन इंफॉर्मेशन इमिट कर रहा है लेकिन अभी जीरो इमिट करेगा ये आपको नहीं पता अगली बिट वो वन इमिट करेगा ये आपको नहीं पता हाँ आपको ये पता है कि जीरो इमिट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है वन इमिट करने की क्या प्रोबेबिलिटी तो वो दो ही चीजें इमिट कर रहा है जीरो या तो वन उसी रैंडम वेरिएबल को हम क्या कहते हैं बाइनरी रैंडम वेरिएबल तो ऐसा जो आपका बाइनरी सोर्स है वो एक रैंडम वेरिएबल की तरह मॉडल होगा और वो किस रैंडम वेरिएबल की तरह मॉडल होगा बर्नौली रैंडम वेरिएबल क्योंकि वो दो ही चीजें इमिट कर रहा है या तो जीरो या तो वन अगली अभी जीरो इमिट किया अगली बिट जीरो या वन कुछ भी इमिट कर सकता है विद गिवन प्रोबेबिलिटी वो बिट अगली जीरो भी हो सकती है अगली वन भी हो सकती है रैंडम इन नेचर है तभी उसमें इंफॉर्मेशन कंटेंट है अगला क्या इमिट करेगा उसके साथ प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड है हंड्रेड परसेंट आप नहीं बता पा रहे हो कि अगला जीरो ही आएगा अगला वन आएगा हाँ, लेकिन जीरो आने की इतनी प्रोबिलिटी है वन आने की इतनी प्रोबिलिटी है ये आप बता सकते हो तो रैंडम इन नेचर है ये है ना तो ऐसे सोर्स को हम मॉडल करेंगे किस रैंडम वेरिएबल की तरह बाइंड्री रैंडम वेरिएबल है ना बर्नौली रैंडम वेरिएबल है इसीलिए बाइंड्री रैंडम वेरिएबल है ना तो लिखो हमेश रेड वेरिएबल को कब यूज करते हैं मेन है प्रोस्पेक्टिव की कब यूज करते हैं वो सीखना तो लिखो इन केस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन इन केस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन द सोर्स द सोर्स द सोर्स नॉर्मली इमिट्स द इंफॉर्मेशन नॉर्मली इमिट्स द इंफॉर्मेशन नॉर्मली इमिट्स द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बिट जीरो जीरो को ऐसे लिखना बिट जीरो इस तरह से बिट जीरो आर बिट वन इन केस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन नॉर्मली सोर्स इमिट्स द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ बिट जीरो आर बिट वन सो दिस सोर्स हैज टू आउटपुट्स This source has two outputs or two outcomes. This source has two outputs. And probability of each output. Probability of each output is known. Probability of each output is known. Probability of each output is known. Known. तो वो दो आउटपुट दो तरह की बिट इमिट कर रहा है या तो जीरो बिट इमिट कर रहा है या वन और जो ये दो आउटपुट हैं जीरो बिट या वन बिट इनकी क्या है करिस्पॉन्डिंग कि जीरो बिट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है वन बिट अमिट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना तो प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विथ इट है ना ये ठीक है फुल स्टॉप दिस काइंड ऑफ सोर्स दिस काइंड ऑफ सोर्स इज नॉर्मली मॉडल एज इज नॉर्मली मॉडल एज is normally modeled as the Bernoulli random variable. तो आपका source ही है, उस source को मैंने एक random variable है, क्योंकि एक random चीज है ये क्योंकि वो जीरो इमिट करेगा कि वन आपको नोन नहीं है लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है जीरो इमिट करने की ये आपको पता है वन इमिट करने की क्या प्रोबेबिलिटी ये पता है तो ये रैंडम चीज होगी जहां मैंने कहा प्रोबेबिलिटी एसोसिएट हो गई वो दैट थिंग इज रैंडम इन नेचर तो आपका ये सोर्स कैसा है रैंडम नेचर का है तो हमने उसको एक रैंडम वेरिएबल वेरियबल से रिप्रेजेंट कर दिया एंड इट इमिट्स टू बिट्स आइदर जीरो या वन तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है कि नहीं दो ही आउटपुट पॉसिबल हैं। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आपको पता होता है फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं या काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं है है ना तो दो. तो दो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल आपको समझ में आ गया रैंडम वेरिएबल दो आउटपुट ही ले रहा है दो आउटकम्स ही ले रहा है दो वैल्यू ही असाइन कर रहा है दो वैल्यूज ही ले रहा है या तो जीरो वैल्यू ले रहा है या तो वन वैल्यू ले रहा है तो ये रैंडम वेरिएबल एक्स क्या क्या वैल्यू अज्यूम कर रहा है या तो जीरो वैल्यू ले रहा है या तो वन वैल्यू ले रहा है तो इसका पूरा सैंपल स्पेस किससे मिलके बना है जीरो बना है बाकी वैल्यूज ये क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कोई इंटीजर वैल्यू ले सकता है रियल इंटीजर वैल्यू तो बाकी जो इंटीजर वैल्यूज पॉसिबल है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वन टू टू थ्री फोर फाइव सिक्स इन वैल्यूज को असाइन होनेक्स के प्रोबेबिलिटी होने क्या है

जिन वैल्यूज को ये एज्यूम कर रहा है एंड इन वैल्यूज को ये एज्यूम कर रहा है तो दे हैव सम प्रोबेबिलिटी है ना बाकी वैल्यूज जो एज्यूम नहीं कर रहा उनकी प्रोबेबिलिटी तो ऑब्वियसली क्या है जीरो तो ऑबियसली बात है जीरो इमिट करने की या जीरो इस रैंडम वेरिएबल के असाइन होने की रैंडम वेरिएबल एक्स जीरो वैल्यू लेगा इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी या सोर्स जीरो बिट इमिट करेगा इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी वही बात है ये रैंडम वेरिएबल एक्स जीरो वैल्यू लेगा उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी पी तो रैंडम वेरिएबल वैल्यू वन लेगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वन माइनस पी होगी कि नहीं भाई साहब बता दीजिए होगा क्योंकि जीरो और वन से मिलकर इसका पूरा सैंपल स्पेस बना है तो ये या तो जीरो बिट इमिट करेगा या तो वन करेगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जीरो वैल्यू ले रहा है प्लस एक्स वन वैल्यू ले रहा है क्या होगी टोटल प्रोबेबिलिटी वन क्योंकि पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है वन होती है तो ये दो ही वैल्यू अपने सैंपल स्पेस में अज्यूम कर रहा है या तो ये जीरो इमिट करेगा या तो वन तो प्रोबेबिलिटी ऑफ़ प्लस इज इक्वल टू वन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम सेटिस्फाई होनी चाहिए तो एक्स जीरो इमिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है वन माइनस पी है ये कौन सा रैंडम वेरिएबल है बर्नौली रैंडम वेरिएबल है ठीक है ना तो इसका पीएमएफ तो आपने डिफाइन ही कर दिया हम पीएमएफ और सी डिफाइन करते जाते, जाते हैं इसका हम दोनों चीजें लेके चल रहे हैं पी वैल्यूज ये दिसमएफ जो, जो जो करता है उनकी प्रोबेबिलिटी आप डिफाइन कर दो तो वही होता है पीएमएफ प्रोबेबिलिटी दैट एक्स टेक्स वैल्यू जीरो बट वन माइनस पी और आप ये आपने पढ़ा है कि एक्स इज इक्वल टू के equal टू वन देखो माइनस इंफिटी से माइनस वन माइनस इंफिटी से माइनस वन के बीच में कोई वैल्यू एज्यूम नहीं कर रहा है आपका रैंडम वेरिएबल एक्स तो उनकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई फिर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन तो पी प्लस वन माइनस पी प्लस टू से लेके इन्फिनी तक के बीच में रन नंबर कोई वैल्यू एज्यूम कर रहा है नहीं कर रहा है तो उनकी प्रोबेबिलिटी का समेशन क्या हो जाएगा जीरो तो बचेगा क्या पी प्लस वन माइनसफाई होगा ठीक है अब आ जाते हैं सी डी एफ ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल अब सी डी एफ में डायरेक्ट खींचना सिखा रहा हूं अब आपका लेवल अप करते जा रहे हैं चीजें और सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं पहले आप बेसिक्स अच्छे से सीख लो कि क्या क्या चीजें कैसे हो रही हैं एकदम ताकि कभी भी फंसो तो एकदम आप नॉर्मल मेथड पे चले जाओ सबसे बेसिक उसके बाद उस चीज को मॉडिफाई करके हम सिंप्लीफाई कर देते हैं ना यही पढ़ने का सही तरीका होता है ना तो देखो इसका मैं सीधा सा तरीका बताता हूं अभी खींचने का तरीका मैं सिखाता हूं कुछ करना नहीं जब भी आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और उसका सीडीएफ खींचना हो तो कुछ नहीं करना है देखो सीधे मैं खींचना आपको सिखा रहा हूं वैल्यूज तो कैलकुलेट करके अभी सिखाई दूंगा मैं सीधे आपको खींचना सिखा रहा हूं तो इस लेक्चर में हम वही डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो दो हैं उसी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है किसके बारे में कंटीन्यूअस रैंडम तो पहले ये सीखते हैं अच्छे से ठीक है ना एफ एक्स एक्स को हमें प्लॉट करना है देखो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए अगर आपको कभी भी सी डी एफ प्लॉट करना हो तो बहुत सिंपल तरीका है ठीक है ना ऑब्वियस सी बात है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपने क्या ले रखा है स्मॉल एक्स ले रखा है देखो क्या तरीका है कुछ करना नहीं है जो जो वैल्यूज कैपिटल एक्स एज्यूम कर रहा है जीरो वन हॉर्जेंटल एक्सिस पे उन पॉइंट्स को ले लो ये जीरो वैल्यू ये वाला पॉइंट आ गया और ले लो दो ही वैल्यूज एज्यूम कर रहा है उन पॉइंट्स को रियल एक्सिस पे मार्क कर लो या एक्स एक्सिस पे जो एक्सेस पे उन को मार्क कर लो जो जो, आपका एक्स कर रहा है, जो डिस्क्रीट वो इंटीजर वैल्यूज ही, ही एज्यूम करता है तो जो जो वैल्यूज वो एज्यूम करता उन पॉइंट्स को मार्क कर लो ठीक है कुछ नहीं करना अब देखो कुछ करना नहीं है अब आप माइनस इंसिनिटी से मूव करना शुरू करो है ना अब जब तक रैंडम वेरिएबल के जो पॉइंट हैं, जब तक पहला पॉइंट ना आ जाए इसको हमेशा किस ऑर्डर में रखोगे इन पॉइंट्स को हमेशा क्या होगा लेफ्ट टू राइट ही तो होगा जो भी वैल्यूज ये लेगा उन पॉइंट्स को मार करोगे तो वो पॉइंट्स पहले सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट आएगा फिर बाद वाला राइट मोस्ट पॉइंट आएगा तो कुछ नहीं करना है अब हम कैसे एक्स प्लॉट करते थे बताओ सिंपल मेथड होता था स्मॉल एक्स को वेरी करो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इंफिनिटी और एफ एक्स एक्स की वैल्यू निकालते जाओ और उसी को कहते थे कि उसी को प्लॉट कर दो तो आपका सी डी एफ फंक्शन प्लॉट हो जाता था फॉर गिवन रैंडम वेरिएबल एक्स अब मैं क्या कह रहा हूं आपने वो पॉइंट मार्क कर लिए ये जीरो और ये वन पॉइंट मार्क कर लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अब माइनस इंफिनिटी से मूव करना शुरू करो जब तक कि पहला पॉइंट नहीं आ जाता है जो इस रैंडम इस वेरिएबल ने अज्यूम किया है माइनस इंफिनिटी से मूव करते वक्त तब तक एफ एक्स एक्स की वैल्यू जीरो होगी कुछ नहीं करना है जब माइनस इंफिनिटी से मूव करना शुरू करोगे तो आपको जीरो से मूव करना शुरू कर देना है कब तक जीरो रहेगा जब तक कि पहला पॉइंट नहीं मिल जाता जो ये वैल्यू जो इसने वैल्यूज की थी उन पॉइंट्स को मार्क कर लिए तुम इस पे तो लेफ्ट से मूव करते हुए जब तक कि पहला वो पॉइंट नहीं आ जाता जो वैल्यू इसने एज्यूम करी है तब तक आपको क्या प्लॉट करना है जीरो ही प्लॉट करना है देखो ये तरीका मैं बता रहा हूं सीधे तो देखो अभी पहला पॉइंट आया नहीं आया अब देखो जैसे जीरो पे आप पहुंचने लगे पहला पॉइंट आने वाला जैसे पहला पॉइंट आया उस पॉइंट पे स्टेप चेंज होगा मैंने आपको एक चीज बताई थी रैंडम वेरिएबल में हमेशा थीरिएयर केस फंक्शन कांस्टेंट स्टेप चेंज कांस्टेंट स्टेप चेंज यही हो सकता है इसके अलावा और कुछ पॉसिबल ही नहीं होता है ठीक है अब जीरो पॉइंट पे आपको कुछ नहीं करना जैसे आप उस पॉइंट पे पहुंचे जो पॉइंट जो उस पॉइंट पे पहुंचे जो वैल्यू ये एज्यूम किया हुआ है पहला पॉइंट आपको मिल गया जो वैल्यू इस रैंडम वेरिएबल ने एज्यूम की तो जैसे आप जीरो पे पहुंचे जिस वैल्यू को इसने किया था उसकी जो प्रोबेबिलिटी जितनी है उतने अमाउंट का स्टेप चेंज कर दो और प्रोबेबिलिटी हमेशा कोई पॉजिटिव चीज ही होती है तो जितनी वो चीज है प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं हो सकती उतने अमाउंट का स्टेप चेंज कर दो तो जीरो पॉइंट पे कितने अमाउंट का स्टेप चेंज हो गया

जो पॉइंट्स उन पॉइंट्स पे स्टेप चेंजेज होंगे उन पॉइंट्स पे स्टेप चेंजेज होंगे जो वैल्यूज ने एज्यूम कर रखी होंगे तो स्टेप चेंजेज कहां कहां होंगे जीरो वैल्यू पे जीरो पॉइंट पे और अगला स्टेप चेंज कहां होगा one. बाकी जगह आपका क्या होगा ये एफ एक्स एक्स कॉन्स्टेंट होगा भाई साहब क्या होगा कॉन्स्टेंट तो अब देखो ये पी पे कॉन्स्टेंट है जैसे आप पहुंचे किस पॉइंट पे पॉइंट वन पे पहुंचे स्मॉल एक्स बढ़ते बढ़ते जीरो से कहां पहुंचे वन पे पहुंचे और वन एक ऐसी चीज है जिसको इसने क्या किया है एज्यूम किया हुआ है ये वन ऐसी वैल्यू है जिसको कैपिटल एक्स जो रैंडम वेरिएबल है उसको असाइन हुआ है ये वैल्यू कर रहा है ना तो ये दोनों तरीके बोल सकते हो तो ये रैंडम वेरिएबल एक्स को कौन कौन सी वैल्यू असाइन हुई है जीरो और वन जीरो विद प्रोबेबिलिटी पी वन असाइन हुई है विध प्रोबिलिटी वन माइनस पी रैंडम वेरिएबल एक्स जीरो इमिट कर रहा है विद प्रोबेबिलिटी पी वन वैल्यू इमिट कर रहा है विद प्रोबेबिलिटी वन माइनस पी तो जैसे वन आया हॉर्जेंटल एक्सिस पे और वन वैल्यू इसने एज्यूम की हुई है तो इस पॉइंट पे क्या होगा स्टेप चेंज होगा कितने अमाउंट का इस वन वैल्यू को एज्यूम करने की इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वन वैल्यू को एज्यूम करने की इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वन माइनस पी कितने अमाउंट का चेंज होगा है ना कितने अमाउंट का चेंज होगा दिस चेंज इज ऑफ अमाउंट वन माइनस पी वन अमाउंट का चेंज हुआ ठीक है ना अब देखो P तो था ही P प्लस वन माइनस पी की तो कितना हो गया वन माइनस पी अमाउंट का चेंज हो गया P में इतना वन माइनस पी और एड हो गया तो ये वैल्यू P प्लस वन माइनस पी कितनी हो गई वन हो गई अब आगे कोई ऐसा पॉइंट आने वाला है क्या जो जिसको इसने अज्यूम किया हुआ है नहीं तो जब नहीं आने वाला कोई पॉइंट तो ये क्या रहेगा कॉन्स्टेंट ही रहेगा कुछ नहीं ये इसका सी डी एफ है किसका दिस इज दी डी एफ ऑफ दिस गिवेन दिस गिवेन

वो पहला पॉइंट आएगा जो वैल्यू इसने अज्यूम की होगी तो यहां जब मूव करना अब मान लो यहां पे होता -1 0 1 तो पहला पॉइंट कहां मिलता -1 पे तो पहला स्टेप चेंज कहां होता -1 पे कितने अमाउंट का स्टेप चेंज होता -1 वैल्यू अज्यूम करने की x की जो प्रोबेबिलिटी होती उतने अमाउंट का स्टेप चेंज हो जाता है ना तो कहां-कहां स्टेप चेंज होगा उन पॉइंट्स पे जिन वैल्यूज़ को इसने किया तो यहां दो ही इसने किया, 0, 1, तो कहा, कहा होगा 0 और 1 पे। तो हमने पे जीरो से करना शुरू किया। Fx पे जीरो होती है। अब पहला कब होगा? जब तक जीरो रहा पहला स्टेप चेंज कब आएगा जब मुझे पे पहला पॉइंट मिलेगा जो जिसको इसने किया है तो पहला पॉइंट कब मिला मुझे जीरो पे अब जीरो पे स्टेप चेंज आएगा कितने अमाउंट का जीरो वैल्यू एजूम करने की रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी कितनी उतने अमाउंट का चेंज आ गया जिस वैल्यू को इसनेज्यूम किया होगा अगला कौन सी वैल्यू इसने ज्यूम किया वन तो वन स्मॉल एक्स की वैल्यू वन पे स्टेप चेंज होगा कितने अमाउंट का स्टेप चेंज होगा जो वैल्यू जो वन असाइन होने की इसकी उस पॉइंट के असाइन होने की प्रोबेबिलिटी

ठीक है 1 p अमाउंट से और बढ़ गया स्टेयर केस है ना क्योंकि तो ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो स्टेप चेंज पॉजिटिव वाला ही होगा कभी नेगेटिव वाला नहीं है ना तो 1 p अमाउंट का और चेंज हो गया तो p था p में 1 p अमाउंट का और चेंज p 1 p क्या हो गया 1 अब आगे कोई ऐसा पॉइंट आने वाला है क्या x को हम 1 से और बढ़ाते गए आगे आगे ऐसा कोई पॉइंट आने वाला है जिसको इसने अज्यूम किया है नहीं आने वाला है तो अब ये स्टेप चेंज नहीं होने वाला और ये वन पे क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा ये सिंपल सा आपका सीडीएफ आपने ड्रॉ किया अगर इसको हम अगर करते हैं ऐसे तो एफ एक्स एक्स मैंने कल जो तरीका बताया था उससे भी कर सकते थे अगर एक्स माइनस इनफिनिटी से जीरो के बीच में है तो क्या होगा एफ एक्स एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे प्रोबेबिलिटी आप लिखते हमेशा कैसे हो एफ ये होता है हम यहां लिख लेते हैं एक्स लेस देन आर इक्वल टू एक्स और स्मॉल एक्स किस रेंज में है माइनस इंफिनिटी के जीरो के रेंज में और एक्सक्लूडिंग जीरो है जीरो से कम ही है तो जब भी कहोगे लेस देन आर इक्वल टू तो इस रेंज में कोई स्मॉल एक्स की वैल्यू ले लो लेफ्ट से माइनस पॉइंट फाइव निगेटिव वाला पार्ट है इसका जीरो से कम में है ना तो माइनस पॉइंट फाइव ले लिया तो क्या आएगा एफ एक्स एक्स की वैल्यू प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबिलिटी दैटल एक्स द वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू माइनस पॉइंट फाइव माइनस पॉइंट फाइव से नीचे कोई ऐसी वैल्यू है जिसको X ने किया है? नहीं है माइनस पॉइंट फाइव से नीचे कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है जिसको रैंडम नंबरेबल एक्स ने किया X जीरो या वन ही कर रहा है तो क्योंकि X. X बराबर या उससे कम जो वैल्यूज है उनको अगर नंबर ने अज्यूम किया तो उनकी प्रोबेबिलिटी का समेशन हो गया Fx, x की वैल्यू एट तो माइनस पॉइंट फाइव के बराबर या माइनस पॉइंट फाइव से कम कोई वैल्यू रैंड नंबर एक्स अज्यूम किया है नहीं किया है मतलब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई जीरो हो गई क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू माइनस पॉइंट फाइव ऐसी कोई माइनस पॉइंट फाइव से कम या उसके बराबर ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं जिसको रैंडम रैंडम ने किया है और जो वैल्यूज़ है? है, तो आएगा? आएगा। फिर टू जीरो पर क्या हो जाएगा यह लिखोगेल टू जीरो प्रोबिलिटी इक्वल टू जीरो जीरो के बराबर या जीरो से कम कौन सी वैल्यू रेबल एस अज्यूम कर रहा है जीरो के बराबर या जीरो से कम कौन सी वैल्यू अज्यूम कर रहा है केवल जीरो क्योंकि ये जीरो या वन ही वैल्यू एज्यूम कर रहा है और आप कह रहे हो प्रोबेबिलिटी दैट लेस देन आर इक्वल टू जीरो जीरो के बराबर या जीरो से कम जो वैल्यूज हैं उनको एज्यूम करने की रैंडम वेरिएबल एक्स की प्रोबेबिलिटी क्या है तो इस रेंज में कौन सी वैल्यू रैंडम वेरिएबल एक्स एज्यूम कर रहा है जो उसके सैंपल स्पेस केवल एक्स इज इक्वल टू जीरो वैल्यू है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है जिसको रैंडम वेरिएबल एक्स ने एज्यूम किया हुआ है तो ये टूट के रह जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू जीरो तो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू जीरो की क्या है प्रोबेबिलिटी

या उससे कम जो वैल्यूज है जिनको ने अज्यूम किया उनकी प्रोबेबिलिटी तो पॉइंट फाइव के बराबर या उनसे कम कौन सी वैल्यू है जो इसने अपने सैंपल स्पेस में एज्यूम करी केवल एक वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव से कम एक ही वैल्यू जो जिसने एज्यूम किया जीरो और उसके बाद वाले 0.5 से कम और कौन सी इंटीजर वैल्यू हैं जो ये कर सकता था माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री लेकिन उसको इसने नहीं किया तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है जीरो है तो उनको कंसीडर करना ना करना कोई मतलब नहीं है तो .5 less, .5 है तो 0.5 0.5 से लेस लेस के बराबर उससे ये कौन सी वैल्यू एज्यूम कर रहा है केवल एक वैल्यू जीरो तो उसकी प्रॉबिलिटी उसी की प्रॉबिलिटी के बराबर हो जाएगा ये इनिक्वलिटी की प्रॉबिलिटी ठीक है तो क्या हो जाएगा हो जाएगा देखो ना जीरो पे भी है मैंने बताया था कि सीडीएफ जब किसी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का देखोगे अगर कोई स्टेप चेंज हुआ है तो जिस पॉइंट पे स्टेप चेंज हुआ उस पॉइंट पे भी स्टेप चेंज होकर जहां पहुंच जाते हो वही वैल्यू है और उस पॉइंट के जस्ट बगल में जीरो प्लस पे भी वैल्यू क्या है पी और जीरो पे भी वैल्यू क्या है पी है क्योंकि राइट हैंड साइड से क्या होता है कॉन्टिन्यूस तो जिस पॉइंट पे स्टेप चेंज हुआ उस पॉइंट पे स्टेप चेंज होकर जहां पहुंचे वही वैल्यू उस पॉइंट पे भी होती है और उस पॉइंट के राइट हैंड साइड में तो वही वैल्यू होती है ना ये ध्यान रखना अब देखो यक्स इज इक्वल टू वन हम ले लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी लेस आर इक्वल टू वन आ जाएगा वन के बराबर या वन से कम ये जो जो वैल्यूज कर रहा है उनकी प्रोबेबिलिटी तो वन के बराबर से कम ये कौन कौन सी वैल्यू अज्यूम कर रहा है वन और जीरो वैल्यूज तो ये अज्यूम ही नहीं कर रहा है बाकी क्वलिटी को सटिस्फाई करने वाली कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है, है, कौ, है, तो है तो, उसमें से कौन सी में है तो क्योंकि तो बाकी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी तो ऐसे ही जीरो है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री की तो उनको लेने का कोई मतलब नहीं तो प्रोबिलिटी टू वन तो वन के बराबर या वन से कम कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो यक्स एज्यूम कर रहा है उनकी प्रोबेबिलिटी एक तरह से है ना तो यस के वन के बराबर या वन से कम कौन कौन सी वैल्यू ये एज्यूम कर रहा है वन और जीरो उनकी प्रोबेबिलिटी है ना वन के बराबर एन लेस देन आर इक्वल टू वन वन के बराबर या वन से कम जो जो वैल्यूज ये अज्यूम कर रहा है उनकी प्रोबेबिलिटी का समेशन जो अज्यूम नहीं कर रहा है उनकी तो जीरो होगी तो हमें कंसंट्रेट किस पे करना है वन के बराबर और वन से कम जो जो वैल्यूज ये अज्यूम कर रहा है अपने सैंपल इसमें से उनकी प्रोबेबिलिटी हम ले लें हमें ये प्रॉबिलिटी एक्स लेस देर टू एक्स मिल जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो प्लस प्रोबेबिलिटी प्रोबिलिटी वन और जीरो दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं एक्स लेस देन आर इक्वल टू वन में एक्स लेस टू वन वन के बराबर या पी कितना हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है ना यहां पे भी चेंज हुआ P से बढ़ के वन हो गया तो चेंज कितने का हुआ फाइनल वन हो गया इनिशियल P था वन माइनस पी का चेंज हुआ कि नहीं वही जो मैं बता रहा था ठीक है ना

1 भी 1 से कम है तो तो यही 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 दो दो हैं जो वो कर रहा है, की कर दो, P plus minus P, क्या हो जाएगा one, देखो यही ग्राफ आया कि नहीं नहीं आएगा आएगा और कुछ तो चीजें आप समझते जाओ यही तो आपको कुछ नहीं करना है, अब रैंडम का कैसे करना है है अब का कैसे पे आप उन उन पॉइंट्स को मार्क कर लो जो वैल्यूज एक्स ने एज्यूम करी हैं अपने सैंपल स्पेस में ठीक है मार्क कर लिया वो इंटीजर पॉइंट ही होंगे अब हमें लेफ्ट माइनस इंफिनिटी से मूव करना शुरू करना है माइनस इन्फिटी पे वैल्यू क्या होती है जीरो तो जीरो लेके चलने लगे अब जीरो कब तक ये रहेगा जब तक कि फर्स्ट पॉइंट वो नहीं आ जाता जिसको इसने एज्यूम किया जैसे पहला पॉइंट आया जिसको इसने एज्यूम किया है उस पॉइंट पे एक स्टेप चेंज होगा कितने अमाउंट का उस वैल्यू को करने की, x की क्या है, उतने का अगला पॉइंट नहीं आ जाता जिसको अज्यूम किया और उस पॉइंट पे फिर से क्या होगा स्टेप चेंज कितने का स्टेप चेंज कितने का होगा चेंज की वैल्यू मैं बता रहा हूं जो उस वैल्यू को असाइन करने की प्रोबेबिलिटी होगी जैसे जब मैं वन पे पहुंचा था तो वन

एजूम कर रखा है जो इसके जो पॉइंट्स इसके सैंपल स्पेस में उन पॉइंट्स उन पे स्टेप चेंज आता है अगर अब वो पॉइंट बचे ही नहीं तो फिर FXX क्या रहता 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 है 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 कांस्टेंट तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए केस जो जो पॉइंट आते हैं उन पे स्टेप चेंज होता रहता है बाकी जगह ये क्या रहता है कॉन्स्टेंट हमेशा ऐसा आएगा कभी ऐसा हो ही नहीं सकता इसके अलावा कुछ आएगा तो एक क्लियर हो गया क्लियर <coughs> बाकी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी ही है अब हम दूसरा पढ़ते हैं इसको आप नोट डाउन कर लेना आई थिंक कर ही लिए होंगे मैंने दोनों तरीके से अब चीजों को सिंप्लीफाई करते जाते हैं ना कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है आपने सीख लिया तो अब उसका डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन करें जबकि आपको ये सब चीजें डायरेक्टली पहले बता दी जाती हैं कैसे आया क्यों हुआ ये नहीं बताया जाता और जब आपको क्यों का आंसर नहीं पता होता तो जब आपको कोई अच्छा क्वेश्चन आता है तो आप क्यों ढूंढ ही नहीं पाते क्योंकि आपको कभी बताया नहीं गया कैसे सोचना है ठीक है अब अगला है बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट में Janik Prime is the new features by Janique Education where you will get 450 plus video series, questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. This lecture lecture important exam binomial random. वेरिएबल अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कम्युनिकेशन सिस्टम के रिस्पेक्ट में ही मैं डिफाइन कर रहा हूं सब कुछ बुक्स में अदर लैंग्वेज के फॉर्म में गया जा सकता है लेकिन मैं आपको कम्युनिकेशन सिस्टम के रिस्पेक्ट में बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल बताने जा रहा हूं ठीक है अब देखो अभी हमने बात करी कि आपका सोर्स है वो जीरो वन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन इमिट कर रहा है कभी जीरो इमिट कर रहा है कभी वन इमिट कर रहा है जीरो इमिट करने की कुछ प्रोबेबिलिटी है वन इमिट करने की कुछ प्रोबेबिलिटी है तो हमने उसको मॉडल कर दिया एज ए बाइनरी रैंडम वेरिएबल और बर्नौली रैंडम वेरिएबल की तरह मॉडल कर दिया ठीक है अच्छी बात है अब आप इंफॉर्मेशन को भेज रहे हो जब हम इसने एक बिट इमिट किया वो बिट जीरो भी हो सकती है वो बिट वन भी हो सकती है इट डजेंट मैटर वो एक सिंगल बिट है दिस बिट कुड बी जीरो दिस बिट कुड बी है ना तो अब देखो इन्फॉर्मेशन थियोरी में मैंने थोड़ा बहुत ये सब चीजें डिस्कस भी किया है वहां तो बहुत अच्छे से डिस्कस किया है क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आपसे पूछा जाता है उसी से रिलेटेड ये बाइनोमिल रैंडम वेरिएबल है तो आप जीरो जब इमिट कर रहे हो या वन उसको मैं एक बिट मान रहा हूं एक बिट मतलब वो बिट वन भी हो सकती है जीरो एक सिंगल बिट सिंगल बिट का मतलब दिस बिट कुड बी जीरो दिस बिट कुड बी वन तो जब ये एक सिंगल बिट इन्फॉर्मेशन भेज रहा है ओवर द चैनल एक चैनल के थ्रू भेजेगा भाई ट्रांसमिट इसने क्या किया ट्रांसमिट किया या इमिट किया इंफॉर्मेशन जीरो या के में एक बिट वो सिंगल बिट जीरो भी हो सकती है, बन, और उस बिट को उसने ट्रांसमिट कर दिया ओवर द चैनल क्या कर दिया ओवर द चैनल उसने क्या कर दिया ट्रांसमिट कर दिया अब जब उसने ओवर द चैनल ट्रांसमिट कर दिया तो चैनल में नॉइज होती है तो चैनल की नॉइज की वजह से हो सकता है आपने भेजा था जीरो बिट और रिसीव हुआ वन हो सकता है आपने वन भेजा था लेकिन रिसीव हुआ क्या जीरो हुआ

बाइंड्री एसिमेट्रिक चैनल है कि जीरो में आने की प्रोबेबिलिटी कुछ और है, वन में एरर आने की प्रोबेबिलिटी कुछ और है। मतलब जो नॉयज है वो वन को हो सकता है ज्यादा इफेक्ट कर रही हो ज्यादा प्रोबेबिलिटी या फिर उसमें डाल रही हो जीरो को कम इफेक्ट कर रही हो वो एसिमेट्रिक एमेट्रिक चैनल है बाइंड्री सिमेट्रिक चैनल क्या होता है जीरो में भी जितना एरर आने की प्रोबेबिलिटी है उतना वन में मतलब नॉयज दोनों को इक्वली इफेक्ट कर रहा है मतलब एक ही तरह से इफेक्ट कर रहा है ठीक है तो हम बाइनरी सिमेट्रिक चैनल के रिस्पेक्ट में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बहुत कैलकुलेट करते हैं मैंने वहां इन्फॉर्मेशन फिल्म बाइंड्री एमेट्रिक के लिए भी कैलकुलेट करना सिखाया लेकिन अभी हम बाइनरी सिमेट्रिक के बारे में ही बात करना है एक तरह से आप समझो तो जब मैं एक सिंगल बिट भेज रहा हूं वो चाहे जीरो है चाहे वन है तो उसमें एरर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है मैं मान लेता हूं पी है तो अब ये बाइनरी सिमेट्रिक चैनल है तो चाहे आप जीरो भेजोगे भेजो तो उसमें भी एरर आने की प्रोबेबिलिटी पी है वन भेजोगे तो उसमें भी एरर आने की प्रोबेबिलिटी पी है तो मैं सिमेट्रिक ही एक तरह से बाय डिफॉल्ट मान रहा हूं तो देखो क्या कह रहा हूं मैं बाइंड्री इंफॉर्मेशन इज सेंट थ्रू ए चैनल अब मैं इसको समझाने जा रहा हूं ये है क्या ठीक है ना ताकि आप ये रैंडम वेरिएबल है क्या किसको मॉडल कर हो आपको समझ में आना चाहिए डायरेक्ट बस निकाल लिखा के कोई करने का मतलब नहीं बैंड इन्फॉर्मेशन इज सेंट थ्रू ए चैनल अब चैनल ऑब्वियसली चैनल विल एड चैनल कैन एड सम कभी हो सकता है नोएज का इफेक्ट आपके बिट पे डोमिनेट ना कर पाए कभी हो सकता है नोएज का इफेक्ट बिट पे डोमिनेट कर जाए हो सकता है आपने दस बिट भेजा उसमें से एक बिट पे नोएज का इफेक्ट डोमिनेट कर गया वो और वो एरर में रिसीव हुआ बाकी नौ बिट पे हो सकता है इन्फॉर्मेशन डोमिनेट नहीं कर पाए इसलिए केवल एक बिट एरर में रिसीव हुआ है कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा है हा, 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 हा इस तरह से पढ़ते हैं इसी के बारे में इसलिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं वहां कि जितनी कम बिट्स एरर में रिसीव हो उतना मेरे लिए क्या है अच्छा है कि नहीं तो चैनल कैन एड सम बिट कैन बी रिसीव्ड इन एरर अब जितना नॉइज उसने ऐड किया अगर उस नॉइज को वो टॉलरेट कर गया तब तो एरर में रिसीव नहीं हुआ अगर उस नॉइज को टॉलरेट नहीं कर पाया इतनी नॉइज ज्यादा थी कि उसको टॉलरेट नहीं कर पाया तो वो एरर में रिसीव होगा है ना सिंपल सी बात है एंड कैन बी रिसीव इन एरर ऐसा नहीं कि हर बिट में एरर आएगी कुछ में एर आएगी कुछ में नहीं आएगी हमेशा होगा है ना तो अब देखो ध्यान से क्या होगा आपका क्या है अब मैं मान रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर अभी रैंडम वेरिएबल तो डिफाइन ही नहीं हुआ बाय रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर दैट ए सिंगल बिट विल बी रिसीव्ड इन एरर इज पी Probability है ना प्रोबेबिलिटी ये गिवेन है प्रोबेबिलिटी दैट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर दैट ए सिंगल बिट विल बी इन एरर इज तो आपने एक सिंगल बिट 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 भेजा वेदर वेदर दिस दिस इज इज तो उसके एरर में रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है पी है वो और ये पी की वैल्यू डिपेंड करेगी चैनल पे चैनल कितना नॉइजी है कितना कम नॉइजी है उसके बेसिस पे वैल्यू पी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन सिंगल बिट कितने ज्यादा चांसेस हैं उसके एरर में रिसीव होने के कितने कम चांसेस है उसके एरर में रिसीव होने के एक किस पे डिपेंड करेगा चैनल पे चैनल में नॉइज कितनी है कितना नॉइजी चैनल है कितना कम नॉइजी चैनल है उस पर डिपेंड करेगा है ना तो मैं क्या करूं प्रोबिलिटी सिंगल बिट विल बी रिसीव्ड इन एरर इज पी तो आप आपने एक सिंगल बिट भेजा उसके एरर में रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है पी है उसके एरर में ना रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी फिर क्या होगी देन द प्रोबेबिलिटी

तो एरर में रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी पी है तो एरर में ना रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑब्वियसली होगी क्योंकि या तो वो एरर में रिसीव होगी या तो एरर में रिसीव नहीं होगी दो ही चीजें हो सकती हैं एक चीज की प्रोबेबिलिटी पी है तो दूसरे की क्या होगी वन माइनस पी क्योंकि दोनों को मिला देंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी वन होना चाहिए सिंपल सी बात है तो वन माइनस पी होगा अब देखो रैंडम वेरिएबल एक्स यहां कहां से आया यहां पर रैंडम वेरिएबल एक्स कहां से आया अब लेट्स से आपने एक ग्रुप ऑफ बिट्स भेजा एन बिट्स भेजा कहां, पे ये variable, कहां से आते हैं नाउ वी आर सेंडिंग इंफॉर्मेशन थे बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं ना रैंडम वेरिएबल का ही वहां एग्जांपल है वहां पे बहुत अच्छे से प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालना मैंने सिखाया है नाउ वी आर सेंडिंग एन बिट्स इन ए ग्रुप आप अब आप, आप कह रहे हो कि मैं बिट्स भेज रहा हूं दस हो सकता है बीस हो सकता है चालीस हो सकता है जनरल दे ना देखो क्या होगा रैंडम वेरिएबल एक्स अभी मैं ये सब, वो सब मिटा दूंगा अभी मैं डिफाइन कर सब चीजें नोट करते जाना बेटा सारी चीजें मैं लिखवाऊंगा नहीं बाद में इसलिए मैं लिखते हुए समझाते जा रहा हूं चैनल अब आपने एन बिट्स एक साथ भेज दी एक बिट अगर एक बार में भेज रहे थे तो उसके एक बिट में एरर होने के चांसेस क्या थे पी या पी और एरर में ना होने के चांस क्या थे वन माइनस पी अब आपने यन बिट्स भेजी अब यन बिट्स में से आपके कितने बिट्स एरर में हो सकते हैं वो तो रैंडम है आपको पता नहीं भाई आपने दस बिट भेजी भाई जब आप एक सिंगल बिट भेज रहे थे तो उसके एरर में आने की प्रोबेबिलिटी पी थी एरर में ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी वन माइनस पी एर मतलब सही सही रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी प्रॉबिलिटी पी थी और सही होने P थी। मतलब सही रिसीव ना होने की प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लिटी सही रिसीव ना होने की प्रोबेबिलिटी पी थी और सही रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी वन माइनस पी थी नॉट इन एरर मतलब सही रिसीव हुआ एरर में रिसीव हुआ मतलब प्रोबेबिलिटी पी थी ठीक है तो अब यह चीज देखो ध्यान से अब अगर आपने यन बिट्स इस चैनल के ऊपर भेजी तो अब मान लो आपने दस बिट भेजी एन की वैल्यू दस है तो हो सकता है दस के दसों बिट एरर में रिसीव हो जाए हो सकता है दस में से नौ बिट एरर में रिसीव हो जाए एक एरर में ना रहे है, है ना हो सकता है दस में से आठ बिट तो, सही रिसीव हो जाए आठ बिट एरर में रिसीव हो जाए दो तो,

आर बिट्स हो सकता है एरर में हो एंड दिस वैल्यू ऑफ आर कुड बी जीरो आर कुड बी वन आर कुड बी टू आर कुड बी थ्री एंड मैक्सिमम आर कुड बी व्हाट एंड भाई दस बिट भेजे तो मैक्सिमम कितने बिट एरर में हो सकते हैं दस बिट एरर में और मिनिमम कितने बिट एरर में हो सकते हैं जीरो बिट एरर में हो सकते हैं रिसीव हो भाई किन अब भाई नुआज तो क्या है रैंडम इन नेचर है चैनल को आप थोड़ा एकदम से जानते हो बस चैनल की क्वालिटीज कुछ जानते हो कि इसमें इस तरह की नॉयज है इस तरह का ये है एक बिट भेज के देख रहे हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आने के चांसेस भी हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर में आने के ना चांसेस हैं है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ना होने के चांस है वन माइनस पी प्रोबिलिटी ऑफ एरर में रिसीव होने के चांसेस हैं पी है ना तो एरर में रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी पी है एरर में रिसीव ना होने की प्रोबेबिलिटी वन माइनस पी ये आपको बस पता है तो जब आपने दस बिट एक साथ भेजी तो अब चैनल की नॉइज तो उसमें एड होगी चैनल की नॉइज को तो आप कंट्रोल कर नहीं पा रहे हो तो चैनल की प्रॉपर्टी है वो तो जो चैनल आपने डिसाइड कर लिया वो है उसको आप नहीं कुछ कर सकते तो अब चैनल की नॉइज उसको अफेक्ट करेगी वो तो अब नॉइज भी तो रैंडम ही है हो सकता है वो दसो बिट को अफेक्ट कर दे दसों बिट टॉलरेट ना कर पाए तो दसो के दसो एरर में रिसीव हो जाएंगे हो सकता है वो पांच ही बिट को अफेक्ट किया पांच बिट एरर में होंगी पांच बिट एरर में नहीं होंगी पांच ने टॉलरेट कर लिया हो सकता है वो एक ही बिट को अफेक्ट कर पाया बाकी नौ बिट प्रॉपरली रिसीव हो एक बिट एरर में है ना तो कुछ भी हो सकता है ये रैंडम इन नेचर है कि नहीं दस बिट भेजे तो कितने बिट एरर में होंगी ये आप गारंटी के साथ नहीं बता सकते वो जीरो बिट दस एरर में रिसीव हो सकती है दस में, में से पांच हो सकता है एरर में रिसीव हो जाए दस में से हो सकता है छह एरर में रिसीव हो चार प्रॉपरली रिसीव हो जाए तो ये क्या है रैंडम है कि नहीं कितने बिट एरर में रिसीव होंगी ये वैल्यू रैंडम है यह आप नहीं बता सकते गारंटी के साथ यहां कि दस में भेज रहा हूं तो इसमें से दो ही एरर में रिसीव होंगी बाकी आठ एकदम सही रिसीव होंगी दस में से एक भी एक हो सकता है एरर में रिसीव हो नौ प्रॉपरली रिसीव हो जाए हो सकता है दस में से तीन एरर में रिसीव हो सात प्रॉपरली रिसीव हो जाए हो सकता है दस में से छह एरर में रिसीव हो चार प्रॉपरली रिसीव हो जाए छह एरर में आए है ना तो ये आप प्रिडिक्ट आप प्रिडिक्ट केवल कर सकते हो गारंटी के साथ नहीं बता सकते कि कितनी बिट एरर में रिसीव होंगी क्योंकि जो एरर है वो भी क्या है एक बिट में जो एरर आने के चांसेस हैं वो भी प्रोबेबिलिटी के टर्म में गारंटी नहीं है कि एक बिट भेजूंगा तो हंड्रेड परसेंट इतने ये एरर में होगी कि नहीं होगी एकदम गारंटी के साथ आप नहीं बता पा रहे हो देर आर चांसेज कि एक बिट भेजेंगे तो एरर में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो जब दस बिट भेजोगे तो हर बिट में एक चांस है कि ये एरर में भी हो सकता है नहीं भी हो सकता ये एरर में भी हो सकता है नहीं हो सकता तीसरी बिट में भी एरर हो सकता नहीं हो सकता चौथी बिट में भी एरर हो सकता नहीं हो सकता तो अब कितनी बिट एरर में होंगी दस में से आप गारंटी के साथ नहीं बता सकते जीरो बिट भी एरर में हो सकती है दस के दसों बिट एरर में हो सकती है हो है ना तो ये क्या है रैंडम इन नेचर है तो इसको हम कैसे मॉडल करेंगे एक रैंडम वेरिएबल की तरह तो इसको हम क्या करें रहे हैं एज्यूम्स द वैल्यू यक्स एज्यूम्स द वैल्यू इक्वल टू द नंबर ऑफ बिट्स नंबर ऑफ बिट्स रिसीव्ड इन एरर तो जितनी बिट एरर में रिसीव हो रही हैं आपकी रिसीवर इंड पे उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया एक रैंडम वेरिएबल एक्स से क्योंकि तो कितनी बिट रिसीव होंगी एरर में वो रैंडम इन नेचर है जीरो बिट भी एरर में रिसीव हो सकती है एन में से तीन बिट एरर में रिसीव हो सकती है एन में से चार बिट भी रिसीव हो सकती है एरर में इन एन बिट में है ना तो ये रैंडम है एक भी हो सकता है दो भी हो सकता है जहां हो सकता है वर्ड आ जाए वो रैंडम हो गया ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है वो हाँ ये होने की प्रोबेबिलिटी कुछ और है बी होने की प्रोबेबिलिटी कुछ और है सी होने की कोई प्रोबेबिलिटी कुछ और है ये चीज क्या है रैंडम वेरिएबल को ही रिप्रेजेंट करती है तो रैंडम वेरिएबल एक्स हम आप इसी को हम रैंडम वेरिएबल एक्स से मॉडल कर रहे हैं किसको कि हाउ मेनी बिट्स आर रिसीव्ड इन एरर उसको हम किससे मॉडल कर रहे हैं रैंडम वेरिएबल एक्स से हम रैंडम वेरिएबल एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दैट हाउ मेनी बिट्स आर रिसीव्ड

क्वल टू इक्वल टू द नंबर ऑफ बिट्स रिसीव इन एर क्या क्या वैल्यूम कर सकता है जितनी वैल्यू आपकी हो रही है एरर में रिसीवर तो सकता है चैनल भेजी ओवर द चैनल और यक्स हम रैन रैनोरेबल किस को मॉडल करना है किस चीज को मॉडल करना है है ना उसको हम एज ए रेंडम वेरियबल एक्स मॉडल कर रहे हैं और यस को हम क्या वैल्यू एजूम करवा रहे हैं जितनी बिट्स एरर में होंगी वही वैल्यू वैल्यू आजूम करेगा द इक्वल टू द नंबर ऑफ बिट्स रिसीव्ड इन एरर तो जितनी बिट्स एरर में रिसीव होंगी उतने ही उसी नंबर को एजूम करेगा एक्स, वही वैल्यू एजूम करेगा रैंडम वेरिएबल एक्स और ये रैंडम है ये तो मैंने समझा ही दिया तो क्या क्या वैल्यू एज्यूम कर सकता है भाई हाउ मेनी बिट्स आर रिसीव इन एरर जो नंबर है जितने बिट्स रिसीव होंगी एरर में उसी वैल्यू को सकता है ये तो आप बता ही सकते हो क्या जीरो बिट एरर में रिसीव हो सकती है कि नहीं आपने एन बिट भेजी कोई बिट भी एरर में रिसीव नहीं हुई मतलब हाउ मेनी बिट्स आर रिसीव इन एरर जीरो बिट्स आर इन एरर तो क्या वैल्यू एक अज्यूम कर सकता है जीरो वैल्यू हाउ मेनी बिट्स आर इन एरर जीरो वैल्यू

एम और सी ठीक है तो ये होता है इसी को हम कहते हैं रैंडम रैंडम वेरिएबल वेरिएबल क्यों कह रहे हैं क्योंकि जो इसका पीएमएफ है वो बाइनोमियल जो आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो बाइनोमियल वाला बाइनोमियल वाला आप पढ़ते हो फार्मूला प्रोबेबिलिटी के केस में वही फार्मूला इसके पीएमएफ में यूज होता है इसीलिए इस रैंडम वेरिएबल का नाम क्या है बाइनरी रैंडम बाइंड्री बाइनोमियल बाइनोमियल नाम कहां से पड़ा क्योंकि जो इसका भी हम पी लिखेंगे वो बाइनोमियल फंक्शन के फॉर्म में होगा जो बायोमिलिटी में आप एक बाइनोमियल वाला फार्मूला पढ़ते हो ना बाइनोमियल वाला वही फार्मूला इसके PMF में आएगा इसीलिए इसका नाम पड़ा है है बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल ठीक ये बात बात समझ में इतनी बात समझ में में आई आई इतनी कैसे मॉडल कर रहे हैं इस रैंडम वेरिएबल को ये किसको रिज्यूम कर रहा है ठीक है आप देखो एक जब सिंगल बिट आप भेज रहे थे तो एरर में रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी पी एरर में रिसीव ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी वन माइनस पढ़ा होगा अगर मैं कहूं मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं जैसे मैं एक क्वाइंट टास्क कर रहा हूं तो एक बार एक्सपेरिमेंट करने में एक बार एक्सपेरिमेंट करने में ध्यान से सुनना एक बार अगर मैं एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा हूं और किसी इवेंट इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पी है और

और हर बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है by है तो अगर मैं एक्सपेरिमेंट को यन बार रिपीट कर दूं तो यन में से आर बार इवेंट के होने मतलब इवन even इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसको हम बाइनोमियल फॉर्म में लिखते हैं कैसे लिखते हैं अगर एन बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया और उसमें से आर बार किसी इवेंट इवेंट होने किसी इवेंट इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है तो हम कैसे उसको बताते हैं अगर सिंगल बार इवेंट जब सिंगल बार जब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पी है अगर तो पी टू दी आर इन टू सिंगल बार अगर एक्सपेरिमेंट को किया जाए तो उसके, उसके उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर वन माइनस पी है तो उसकी पावर एन माइनस आर तो अगर सिंगल बार एक्सपेरिमेंट करें तो इवेंट इवन के होने की प्रोबेबिलिटी पी है इवेंट के तो अगर बार में इवेंट इवन के होने की प्रोबेबिलिटी पी थी इवेंट के ना होने की तो रिपीट तो मतलब किया, तो किया तो आर बार इवेंट इवन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो होता है एनसीआर सिंगल बार में इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी की पावर आर सिंगल बार में इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी की पावर एन माइनस आर और इसी एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं बाइनोमियल है ना बाइनोमियल, इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं मतलब ये प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका है जब इस तरह की चीजें हो रही हो सिंगल बार एक्सपेरिमेंट में किसी इवन की प्रोबेबिलिटी पता है ना ना होने की पता है तो एन बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर दिया जाए तो आर बार उसमें से उस इवेंट इवन के होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं बाई यूजिंग दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन वही एक्सप्रेशन यहां पर भी आने वाला है इसीलिए मैं कह रहा हूं जब आप एक सिंगल बिट भेज रहे हो मतलब एक्सपेरिमेंट एक बार कर रहे हो तो एक्सपेरिमेंट के होने की मतलब इवेंट बिट के एरर में रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है पी है बिट का एरर में रिसीव होना इवेंट का होना यहां है ध्यान देना क्योंकि हम यहां एक्स को मॉडल क्या कर रहे हैं हाउ मेनी बिट्स आर रिसीव इन एरर मतलब अगर एरर में रिसीव्ड हो रही हैं तो वो इवेंट का होना हो गया और जब सिंगल बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या सिंगल बिट भेज रहे हैं तो एरर में ना रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 -P, मतलब इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी जब सिंगल बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 -P, और इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी सिंगल बार में कितनी है पी है एरर में रिसीव होना मतलब इवेंट का होना क्योंकि हम यहां क्या काउंट कर रहे हैं हाउ मेनी बिट्स आर इन एरर तो अब अगर आपने यन बिट भेजी यन बिट भेजी उसमें से आर बिट का एरर में रिसीव होना क्या हो गया मतलब आपने एन बार एक्सपेरिमेंट किया तो आर बार इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या मतलब आर बार बिट के एरर में रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है या आर बिट के एरर में रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है यही तो हो गया एन बिट आपने भेजी आर बिट के एरर में रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मतलब आपने एक्सपेरिमेंट को एन बार किया एन में से आर बार इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या यही तो बताना है इवेंट का होना मतलब बिट का एरर में रिसीव होना सिंगल बार में ठीक है ना तो क्या होगा तो अब देखो पीएमएफ मैं लिखने जा रहा हूं पीएमएफ मैं लिखने जा रहा हूं वेरिएबल एक्स का? किस का तो देखो क्या होगा प्रोबेबिलिटी सारी सबकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है मैं अभी एक दो की लिखूंगा फिर क्या है अब देखो जीरो बिट एरर में रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है ना तो आप

जब आप एक सिंगल बार एक्सपेरिमेंट करते थे तो इवेंट का होना मतलब एरर में रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी पी थी इवेंट का ना होना मतलब एरर में ना रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1 माइनस पी थी तो अब आप कह रहे हो X इज इक्वल टू जीरो मतलब एन में से 0 बार इवेंट इवन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0 बिट एरर में रिसीव हो एन में से मतलब इवेंट क्या हो इवन जो एरर में रिसीव होना ही इवेंट था एरर में रिसीव होना तो एन में से जीरो बार इवेंट हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे एन सी जीरो सिंगल बार में इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी पी एरर में रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी पी इसकी पावर जीरो इन सिंगल बार में इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी वन माइनस पी टू दी पावर एन माइनस जीरो एन माइनस होता है ना जीरो ठीक है इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज एक बिट के एरर में रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है एन में से तो बार आपने एक्सपेरिमेंट किया उसमें से एक बार इस इवेंट का होना बिट का एरर में रिसीव होना क्या है प्रोबेबिलिटी है ना इवन का एक बार होना इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी एन सी वन पी की पावर वन वन माइनस पी की पावर क्या एन माइनस वन इसी तरह से पी एक्स इज इक्वल टू आर मतलब आर बिट के एरर में रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी एन में से तो जब एक सिंगल बिट आपने भेजा तो उसके एरर में रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी पी थी मतलब इवेंट का होना एक सिंगल एक्सपेरिमेंट में इवेंट का होना उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है P, एक सिंगल एक्सपेरिमेंट में इवेंट का ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वन माइनस पी है ना तो अब एन बार आपने एक्सपेरिमेंट किया एन बिट भेजा मतलब आपने पहली फिर दूसरी फिर तीसरी मतलब सेम एक्सपेरिमेंट आप बिट ही तो भेज रहे हो हर बार एक बिट ही तो भेज रहे हो तो एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार तो कर रहे हो है ना हर बार एक बिट का भेजना एक एक्सपेरिमेंट है तो ये बिट भेजे आपने एक्सपेरिमेंट को बार किया उसमें से आर बार इवेंट हो जाए कौन सी इवेंट बिट का एरर में रिसीव होना सिंगल बार में बिट के एरर में रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है पी सिंगल एक्सपेरिमेंट में बिट के एरर में ना रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी वन माइनस पी है तो एन में से आर बार ये इवेंट होकर हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी N में से आर तो एन में से आर बार हो जाए मतलब बिट भेजा और बिट क्या हो जाए एरर में रिसीव हो जाए आप कह रहे इवेंट है तो आपके बिट एरर में क्या हो गए रिसीव हो गए ठीक है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी एन में से आर बार इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी एनसीआर एक सिंगल बार में इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है पी है

एक सिंगल बार में अगर एक्सपेरिमेंट एक सिंगल बार करें तो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी की पावर आर एक सिंगल बार एक्सपेरिमेंट को करें तो इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी उसकी पावर एन माइनस आर सिंपल तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है इसी तरह से हम जीरो से बढ़ते बढ़ते कहां तक आएंगे एक्स इज इक्वल टू तो एन सी एन पी की पावर एन वन माइनस की पावर एन माइनस ये हो जाएगा इसका पी डिफाइन कर दिया है ना तो एन में से आर बिट के एरर में रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी आप इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन से बता सकते हो और ये बायनोमियल रैंडम वेरिएबल है उनका क्या हम डिफाइन करते हैं लेने की प्रोबेबिलिटी क्या जीरो वैल्यू लेने की वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी ये टू वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी ये आर वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी है जो डिफरेंट वैल्यू उसको असाइन हो रही है उनकी कुछ प्रोबेबिलिटी होंगी उसी प्रोबेबिलिटी को जो हम मेंशन कर देते हैं इसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ दिस गिवन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ठीक है तो इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन आ रहा है इसके पीएमएफ में इसीलिए इसको बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल कहते हैं ना तो हमारा जब हम डिजिटल कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन 1010 के फॉर्म में भेजते हैं तो अगर हमने n बिट भेजा तो हमारी कितनी बिट्स एरर में रिसीव हुई वो रैंडम है तो उसको हमने एक रैंडम वेरिएबल की तरह मॉडल कर लिया उस रैंडम वेरिएबल जो है रैंडम वेरिएबल उसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं जीरो से लेके अप टू तक हो सकती हैं जीरो बिट एरर में हो सकती हैं बिट एरर में रिसीव हो अप टू तक तो उनकी डिफरेंट जो वैल्यूज हैं उनकी रैंडम वेरिएबल जो डिफरेंट वैल्यूज एज्यूम कर रहा है या असाइन हो रही है उसको उसकी प्रॉबलिटीज क्या है प्रोबिलिटी मास फंक्शन में वो आ जाएंगे और ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जब हम किसी एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हैं और एक्सपेरिमेंट को जब हम एक बार करें तो उसमें किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें पता है तो अगर हम एन बार इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें तो एन में से आर बार उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर मुझे बतानी हो तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन एन सी आर पी की पावर आर वन माइनस पी की पावर एन माइनस आर हो जाता है सिंपल ठीक है ना तो यहां भी वही था सिंगल बार जब एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं जब सिंगल बिट को भेज रहे हैं तो एरर में रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी पी है एरर में रिसीव होना इवेंट का होना क्योंकि हम क्या काउंट कर रहे हैं हमारे इवेंट का होना है होनाव एरर में ना एरर में रिसीव ना होना हमारे इवेंट का ना होना है और हमने एन बिट भेजी मतलब एन बार एक्सपेरिमेंट किया उसमें से आर बिट एरर में रिसीव हो मतलब आर बार हमारी इवेंट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी एनसीआर सिंगल बार में इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पी पावर आर सिंगल बार में इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी वन माइनस पी उसकी पावर आर माइनस फिर इस लेक्चर को हम क्लोज करेंगे ठीक है ना इस लेक्चर को फिर हम क्लोज करेंगे ठीक है तो अब देखो मैंने क्या कहा था इसका सी डी एफ अगर हमें ड्रॉ करना है वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो भाई ये कौन से रैंडम वेरिएबल के लिए वो ये रिप्रेजेंट करता है रैंडम वेरिएबल के लिए सी है और ये किसका फंक्शन है हॉरिजेंटल एक्सिस जो है उसी का फंक्शन होता है वो हॉरिजेंटल तो ये एफ एक्स वाई से रिप्रेजेंट हो जाएगा तो ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो हॉरिजेंटल एक्सिस पे है वो किस नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है वो स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट हो रहा है फिर मैंने क्या कहा था सी डी एफ ड्रॉ करना बहुत सिंपल है कैसे पहले उन उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लो जो वैल्यूज आपके अज्यूम की ये का है कि नहीं देखो यहां पे यन तो पता है नहीं तो मैं यहां मान लेता हूं कहीं पे यन है ठीक है ना यन सिक्स हो सकता है सेवन हो सकता है अब यन तक खींचना है तो इसको तो हम एजूम करके ही खींचेंगे ना ठीक है तो कैसे खींचना था माइनस इंसिटी से शुरू करो माइनस इन्फिनिटी पे एफ एक्स एक्स की वैल्यू एक्स माइनस इन्फिनिटी पे कितनी होती है जीरो होती है अब जीरो तब तक ये जीरो रहेगा जब तक कि आपको पहला पॉइंट नहीं मिल जाता जिसको रैंडम वेरिएबल एक्स ने अज्यूम किया जैसे पहला पॉइंट मिलेगा वहां स्टेप चेंज होगा तो अभी तक पहला पॉइंट जब तक नहीं मिला तब तक ये जीरो ही है जीरो ही है जीरो ही। जैसे पहला पॉइंट मिला कौन सा जीरो वाला ये पॉइंट मिला जैसे पहला पॉइंट मिला जिसको आपके रैंडम वेरिएबल एक्स ने अज्यूम किया है

तो अब देखो जैसे वो पॉइंट आया जिसको एक्स ने अज्यूम किया है तो उस पॉइंट पे सडन चेंज होगा कितने अमाउंट का उस वैल्यू को असाइन होने की या अज्यूम करने की जो प्रोबेबिलिटी है रैंडम वेरिएबल की की तो एक्स की जो प्रोबेबिलिटी है उतने अमाउंट का चेंज होगा जीरो वैल्यू लेता है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है पी नॉट तो पी नॉट अमाउंट का स्टेप चेंज होगा तो जीरो में कितने साइज का स्टेप ऐड करना है पी नॉट का तो जीरो से बढ़ के क्या हो जाएगा पी नॉट अमाउंट का चेंज ये पी नॉट हो गया ठीक है अब फिर से कॉन्स्टेंट रहेगा कब तक जब तक अगला पॉइंट नहीं आ जाता जो वैल्यू इसने वैल्यूम किया हो तो आप माइनस इमी से बढ़ना शुरू किए टू जीरो तक पहुंचे तब तक जीरो था एफ एक्स एक्स जैसे जीरो पॉइंट आया जीरो पॉइंट पे एफ एक्स एक्स वैल्यू नॉट अमाउंट से स्टेप चेंज होकर बढ़ गई अब फिर से ये वैल्यू कॉन्स्टेंट रही कब तक जब तक कि एक पे बढ़ते बढ़ते अगला पॉइंट वन ना आ जाए जो कि जिस वैल्यू को रैंडम रैंडल एक्स ने किया है अगला पॉइंट आपका क्या है? आ गया वन तो अब इस वन पॉइंट पे आपका क्या होगा स्टेप चेंज होगा कितने अमाउंट का कितने अमाउंट का स्टेप चेंज होगा जो वैल्यू

यहाँ पे इस पॉइंट पे वैल्यू है अमाउंट का और साइज बढ़ गई तो ये वैल्यू कितनी हो गई पी नॉट प्लस पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री ठीक है आप देखो इसी तरह से ये बढ़ता रहेगा फोर पे भी बढ़ेगा है ना फिर फाइव पे भी बढ़ेगा उसके पहले से स्टेयर केस फंक्शन फिर देखो एम पे आप देखो मैक्सिमम वैल्यू ये क्या कर रहा है यन. तो जब ये यन पे पहुंचा अब बताओ ध्यान से बताना ठीक है एन पे पहुंचा यन कुछ भी हो सकता है सिक्स सेवन एट जो भी एन पे पहुंचा तो यन पे भी स्टेप चेंज होगा कितने अमाउंट का पीएन अमाउंट का चेंज होगा जो एक्स इज इक्वल टू यन एज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी होगी इसको अगर मैं पीएन मान लू यस को पी सफिक्स है ना तो यू

जिस वैल्यू को इस रैंडम नंबरेबल एक्स ने अज्यूम किया रैंडम रैंड नंबर जीरो से लेके तक जो वैल्यूज हैं यही अज्यूम कर रहा है इसके बाद कोई और वैल्यू अज्यूम नहीं कर रहा है तो जब हम स्मॉल को से आगे बढ़ाएंगे तो अब ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं आगे यन से लेके आपको इंफिनिटी तक ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जिसको रैंडम नरेबल एक्स ने अज्यूम किया जब ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जिसको रैंडम नंबर एक्स ने अज्यूम किया है तो अब स्टेप चेंज कोई होना नहीं है तो अब ये आगे क्या रहेगा यकस, n के बाद ये क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा जैसे बाइनरी रैंडम वेरिएबल में क्या था वन के बाद ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं थी जिसको इसने अज्यूम किया था तो वन के बाद ये ये क्या हो गया था constant. और वैल्यू बता दो क्या होगी वन होगी कि नहीं भाई साहब क्योंकि अब ये यन या ग्रेटर देन के लिए क्या होने वाला है कॉन्स्टेंट अप टू इन्फिनिटी तक ये यही कॉन्स्टेंट होने वाला है और एफ एक्स एक्स की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होती है वन होती है बताया था कि नहीं तो अब जब ये यन ग्रेटर यन के इक्वल और यन से ग्रेटर

एफ एक्स एक्स की वैल्यू एट टेंडिंग टू टेंडिंग टू इन्फिनिटी वैल्यू एट एक्सटेंडिंग कौन सी वैल्यू है यही वाली वैल्यू है तो ये वैल्यू क्या होगी वन होगी जैसे वन के बाद वो कोई चेंज नहीं कर रहा था बाइंड्री में तो वन और वन के बाद जो वैल्यू थी वो कितनी थी वन थी जो फिक्स हो गई थी अब टू इंफिनिटी तक तो यहां एन और एन के बाद वैल्यू क्या हो गई है फिक्स हो गई है और ये वैल्यू क्या होगी ऑब्वियस सी बात है वन होगी तो अगर मुझसे पूछा जाएगा एफ एक्स एक्स की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू एन कितनी है ये वन होगी कि नहीं ये देखो मैंने बताया था ना कोई ऐसा पॉइंट है जिसपे स्टेप चेंज हुआ है तो रैंडम वेरिएबल सी डी एफ हमेशा राइट हैंड साइड से कॉन्टिन्यूअस होता है तो आपको अगर एक्स इजल टू यन पे वैल्यू बतानी है यहाँ पे स्टेप चेंज है तो यन प्लस पे वैल्यू क्या है वही वैल्यू यन पे होगी क्योंकि राइट हैंड साइड से कंटिन्यूअस होता है जो एन प्लस पे वैल्यू होती है वही एन पे होती है राइट हैंड साइड से कंटिन्यूस होने का यही मतलब एन प्लस और एन पे वैल्यू सेम होगी तो एन प्लस पे वैल्यू कितनी है वन तो एन पे भी वैल्यू कितनी होगी वन तो ये आप लिख सकते हो इस केस में समझ में आई बात तो लॉजिक्स जो आपने एफ एक्स एक्स के बारे में डेवलप किए हैं सी डी एफ के बारे में वो प्रॉपर्टीज अप्लाई करके ये ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं तो ये जो भी पॉइंट्स एक्स ने अज्यूम किए हैं जो वैल्यूज एक्स ने अज्यूम किए हैं वो पॉइंट जब ऑरिजेंटल एक्स एक्सिस पे आएंगे तो उन पॉइंट्स पे स्टेप चेंज होगा और स्टेप चेंज कितने अमाउंट का होगा उस पॉइंट पे जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू एजूम करने की प्रोबेबिलिटी होगी रैंडम वेरिएबल की जैसे

तो टोटल वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई पी नाट में पी वन अमाउंट और बढ़ गया पी नाट प्लस पी वन इसी तरह से हर जगह बढ़ाते जा रहे हैं यहाँ पे अमाउंट में चेंज कितने का हुआ होगा पी एन का हुआ होगा ठीक है ना इस तरह से ग्राफ बना रहे हैं और ये जब कांस्टेंट हो गया अब कोई चेंज आना नहीं है क्योंकि आगे अब इस हॉर्जेंटल एक्सिस में आई एन के आगे मूव कर रहे हैं तो अब ऐसा कोई पॉइंट मिलने ही वाला नहीं है जिसको इसने अज्यूम किया है तो कोई स्टेप चेंज होने वाला नहीं है स्टेप चेंज नहीं होगा तो ये कांस्टेंट और ये आपको इंफिनिटी तक कांस्टेंट रहेगा और अब आपको इन्फ, इन्फिनिटी पे जब हम एफ एक्स एक्स को स्मॉल टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हैं तो वैल्यू वन होती है मतलब ये लाइन पे जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड है ये ये वन है तभी तो ये इन्फिनिटी तक जाएगी लाइन और इन्फिनिटी पे वैल्यू वन होनी चाहिए मतलब ये वैल्यू कितनी है ऑब्वियस सी बात है वन है सिंपल सी बात है ठीक है ना तो आप इस तरह से निकाल लिए और जो स्टेप चेंज होता है जिस पॉइंट पे

थ्री प्लस पे भी वैल्यू है पी नॉट पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री क्योंकि ये राइट हैंड साइड से कंटिन्यूअस और थ्री माइनस पे वैल्यू कितनी है पी नॉट प्लस पी वन प्लस पी टू है ना तो हर पॉइंट पे वैल्यू वेल डिफाइंड होती है हाँ लेकिन जहां जहां स्टेप चेंजेज हुए हैं वहां पे एफ एक्स एक्स कैसा है डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू एट दैट पॉइंट

वो कितने कि, क्या क्या बिट्स एरर में रिसीव हो सकते हैं कितनी वैल्यूज रैंडम वेरिएबल एक्स ले सकता है वो जीरो बिट एरर में भी हो सकते हैं अप टू तक बिट्स एरर में हो सकते हैं तो उसको हम एक रैंडम वेरिएबल की तरह मॉडल कर देते हैं कि कितने बिट पॉसिबल हैं कि एरर में रिसीव हो जाए उसको हम रैंडम वेरिएबल की तरह मॉडल कर दिए जीरो बिट हो सकता है एरर में रिसीव हो वन हो सकता है टू हो सकता है या एक्स की वैल्यू नंबर ऑफ बिट्स रिसीव एरर एन भी हो सकती है ठीक है अब हम इस रैंडम वेरिएबल एक्स की

जानी नहीं पा रहे एक्जैक्टली नहीं बता पा रहे कितने बिट एरर में रिसीव होंगे लेकिन हम फिर उसी को क्या है वो रैंडम इन नेचर है तो उसको हम मॉडल करके उसकी एनालिसिस कर रहे हैं कि आन एवरेज कितने बिट क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या बताता है हम आगे पढ़ेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स किसी रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू बताती है एवरेज एक तरह से उसका वेटेड एवरेज उसकी ऑन एंड एवरेज कितनी वैल्यू होगी कि, किसके आसपास उसकी वैल्यू हो सकती है वो चीज बताती है एवरेज वैल्यू उसकी बताती है ठीक है ना तो हम एक्स को मॉडल कर दिए कि जीरो बिट भी एरर में हो सकती है वन बिट भी एरर में हो सकती है टू भी हो सकती है थ्री भी अप टू यन ये रैंडम इन नेचर है तो ऑन एंड एवरेज कितनी बिट्स एरर में रिसीव होंगी अब हम इसी यस का क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ले तो इसकी पता है पता तो हम इससे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं तो हमें यह पता चलेगा कि थाउजेंड्स बिट्स हम भेजेंगे तो ऑन एंड एवरेज कितने बिट एरर में रिसीव होंगी ऑन एंड एवरेज वो बता रहे हो मतलब उसी के आसपास कुछ वैल्यू आएगी गारंटी तो उसमें भी नहीं है लेकिन ऑन एवरेज आप बता दोगे कि हाँ इसके आसपास बिट एरर में आएंगे अब उतनी एरर आपके लिए आप अपने सिस्टम के डिजाइन के लिए उतनी बिट एरर में रख सकते हो कि नहीं आप सिस्टम कितना एफिशिएंट बनाना चाहते हो उस पर डिजाइनिंग पे डिपेंड करेगा अब आप चाहते हो थाउजेंड में से केवल एक बिट एरर में होनी चाहिए तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बहुत कम होनी चाहिए अब आप कह रहे हो कि अगर थाउजेंड में से पचास बिट भी एरर में हो जाएंगी कोई दिक्कत नहीं है मेरे सिस्टम पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कितनी आई तो हमारे सिस्टम के लिए ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है कि नहीं है तो हम ये सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं कि नहीं हम उसी के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन करेंगे ठीक है ना तो उसी के बेसिस पे होता है सारी चीजें तो ये एनालिसिस है हम जिस चीज को जान नहीं पा रहे हैं एग्जैक्टली exactly क्या होगा तो हम उसको एक रैंडम वेरिएबल की तरह मॉडल कर रहे हैं क्योंकि हमें उसका नेचर पता है कि ये ये हो सकता है हम समझ रहे रैंडम वेरिएबल का रोल कहाँ आ रहा है कि हमें पता नहीं है एग्जैक्टली exactly क्या है लेकिन हमें यह पता है कि ये क्या क्या हो सकता है तो हम क्या क्या हो सकता है उसको रैंडम वेरिएबल की तरह मॉडल करना है फिर उसके डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं जो एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरियंस उनके थ्रू उसकी एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के थ्रू हम उसके बारे में बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर पाते हैं और जो प्रिडिक्शन आती है वो बहुत क्लोज होती है जो एक्चुअल सिस्टम बनाने पे आपको मिलेगा तो इसीलिए हम इसको मॉडल करके एनालिसिस कर लेते हैं और सिस्टम के बारे में अप्रोक्सिमेट क्या ऑलमोस्ट हंड्रेड होते हैं कि यही यही होगा और वही चीज जब आप एक्चुअल सिस्टम डिजाइन करते हो तो भी होता है इसीलिए इस रैंडम वेरिएबल की इतनी ज्यादा वो है जैसे आजकल आप वेदर प्रिडिक्शन देखते हो ऑलमोस्ट 99 परसेंट केसेस में वो वही होता है जो प्रिडिक्शन होता है बहुत रेयर होता है कि कल के बारे में जो प्रिडिक्ट किया जाए वो ना हो उसको भी हम रैंडम वेरिएबल की तरह ही मॉडल करते हैं कल क्या होने वाला है आप हंड्रेड तो कभी नहीं बता सकते ना अर्थक्वेक आ ही जाएगा नहीं आएगा आप जो बहुत सारी चीजें हैं कि ये ये चेंजेज आ रही हैं यहाँ से ये हवा चल रही है यहाँ से ये है यहाँ से ये हो रहा है आप डिफरेंट पैरामीटर्स का एक रैंडम जो इनपुट्स हैं उसके एक एनालिसिस कर रहे हो बाय मॉडलिंग इट एज अ रैंडम वेरिएबल और उसके बेसिस पे आप प्रिडिक्शन करते हो और वो मॉडलिंग में जितने ज्यादा पैरामीटर्स होंगे इनपुट पैरामीटर्स वो आप एनालिसिस करके उतना ज्यादा अच्छा प्रिडिक्शन कर पाओगे जो मोस्टली अकूरेट होने के चांसेस बहुत हाई होंगे है ना तो आप जो चीज होने वाली है कल आप उस वो तो रैंडम ही है ना उसको आप एज अ रैंडम वेरिएबल मॉडल करते हो उसमें जो जो चीजें आपको पता है जो जो पैरामीटर उसको

आप ऐसी चीज को भी प्रिडिक्ट कर पा रहे हो जिसके बारे में एग्जैक्टली exactly आप श्योर नहीं हो और वो प्रिडिक्शन बहुत हद तक ऑलमोस्ट राइट right होता है ठीक है ना जितनी ज्यादा आप में एनालिसिस करोगे जितने ज्यादा पैरामीटर्स की एनालिसिस करोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरियंट सेकेंड ऑर्डर मोमेंट थर्ड ऑर्डर मोमेंट फोर्थ ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर जितने हायर ऑर्डर मोमेंट की एनालिसिस आप इन डेप्थ करोगे उतना अच्छा आप क्लोज पहुंचते जाओगे उसकी एनालिसिस पे उतना क्लोज प्रिडिक्शन कर पाओगे उस चीज की ठीक है ना तो आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के डिस्कशन के साथ ठीक है ना ओके थैंक यू थैंक यू वेरी मच